टोक्यो ओलंपिक में देश का सम्मान बढ़ाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की लाजवाब फिटनेस किसी से छिपी नहीं है। अपनी जबरदस्त फिटनेस के दम पर ही नीरज ने ओलंपिक में इतिहास रचकर सबको हैरान किया है। अब नीरज के वर्कआउट और फिटनेस सेशन के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो देखकर आप ओलंपिक के लिए नीरज की कमर तोड़ मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं। नीरज के वर्कआउट में आपको भारी बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके विपरीत वो अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा काम करते हैं। इस वीडियो में नीरज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे ड्रैगन फ्लैग कहते हैं। इस वर्कआउट में दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर ले जाने के बाद धीरे धीरे फ्लैट किया जाता है, जो काफी मुश्किल काम है। ऐसा ही एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नीरज बैरियर जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी नीरज की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने का काम करती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एक एथलीट की बॉडी जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, उसे इंजरी होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। 360 डिग्री एंगल तक कमर को मोड़ने के बाद बॉल को आगे की तरफ फेंकते हुए नीरज का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। ये एक्सरसाइज उनके भाला फेंकने की टेक्निक में जान फूकने का फॉर्मूला लगती है। भाला फेंकते हुए भी नीरज लगभग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी आम इंसान के लिए इस लेवल तक कमर मोड़कर गेंद फेंकना मुश्किल भरा हो सकता है। एक वीडियो में नीरज स्विस बॉल पर शरीर का बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्विस बॉल पर बॉडी को बैलेंस करने से हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इसमें न सिर्फ हमारे पैर मजबूत होते हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होता है। हालांकि स्विस बॉल पर जितनी देर नीरज अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, इतनी देर इस पर टिक पाना आसान नहीं होता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते जब सारे जिम और फिटनेस सेंटर बंद हो चुके थे, नीरज ने तब भी अपनी फिटनेस से समझौता नहीं किया था। एक वीडियो में नीरज घर में रनिंग, पुलअप्स, पुशअप्स और एब्स की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। नीरज ने साबित कर दिया है कि बिना किसी उपकरण के भी घर में खुद को फिट रखा जा सकता है। क्या है नीरज की डाइट? नीरज ने बताया था कि वो सैल्मन फिश खाते हैं, ये सेहत के लिए काफी अच्छी है और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इसे अपनी डाइट में शामिल किया है। इसके अलावा ब्रेड, ऑमलेट, नमकीन चावल और माँ के हाथ के बने चूरमे के भी बड़े शौकीन हैं। अपने वर्कआउट सेशन के बाद वो ताजे फल और जूस लेना कभी नहीं भूलते।